टू माई चैनल। हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। सो गाइस, आज हम लोग एक कैंपिंग प्लेस में जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइकेटरा रिजॉर्ट। बैंगलोर से ये सिर्फ 80 किलोमीटर्स की दूरी में ही है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज होते हैं, कैंप्स होते हैं। तो मैं ऐसा जगह पहली बार ही जा रही हूँ, तो पूरा का पूरा न्यू एक्सपीरियंस है। तो मैं आज की वीडियो में आपसे पूरा ये रिजॉर्ट के बारे में डिटेलिंग शेयर करूंगी कि कैसा है ये रिजॉर्ट, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ईच एंड एवरी थिंग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो अब हम घर से निकल चुके हैं और हमें घर से निकलते निकलते 12 बज चुका था। और इस ट्रिप में ना गाइस, मेरे संग कोई स्पेशल लोग भी है, मेरे इन-लॉज है, तो मैं आपको आज उनसे भी मिलवाती हूँ। तो ये है मेरी जेठानी जी, ये है मेरा जेठू था गर्व, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, और ये है अक्षत, इसे तो आप सब जानते ही हैं, और ये है मेरे जेठ जी, और मेरे हस्बैंड है वो ड्राइव कर रहे हैं तो उन्हें मैं आपको दिखा नहीं सकती। एंड गाइस, हाईवे के बीच में ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यूज आ रहा था, तो मुझे लगा कि आप सबके संग ये भी मैं शेयर कर ही दूँ। एंड व्यूज देखते देखते ना हमें पता ही नहीं चला हम कब गलत रास्ता में चले गए और जो वेज रेस्टोरेंट आने वाला था वो मिस हो गया। बहुत ही जोर से हम सभी को भूख लगा हुआ था, तो लकीली गलत रास्ता लेने के कारण हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया। नहीं तो आपको हाईवे में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, बस एक ही आपको रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि हाईवे का स्टार्टिंग में है, उसके बाद डायरेक्ट आपको रिजॉर्ट के अंदर ही मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और ये रेस्टोरेंट का नाम है वृंदावन रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट है और फूड यहाँ का अमेजिंग है। तो लंच के बाद हम निकल चुके थे वापस रिजॉर्ट के लिए। एंड गाइस, ये रिजॉर्ट का बैक साइड है, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा। मैंने ना कभी भी अपने लाइफ में विलेज नहीं देखा है, तो मुझे बिल्कुल विलेज वाली ही फील आ रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम ट्राइकेटरा रिजॉर्ट पहुंच गए हैं और रिजॉर्ट के अंदर जाने का रास्ता यहीं से ही है, तो अब मैं अंदर जाती हूं और आपको पूरा रिजॉर्ट में अच्छे से दिखाती हूं। और ये है रिजॉर्ट का ऑफिस गाइस, आपको कोई भी पूछताछ करना हो या कोई भी चीज के लिए हेल्प लेना हो तो आप यहाँ आ सकते हो। अब मैं आपको अंदर ले जाके ही पूरा ऑफिस का कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। एंड सारे फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद में हम कैंपिंग के अंदर जा रहे थे, पर कैंपिंग के अंदर जाने से पहले इस टाइप का रिस्ट बैंड आपको बांध दिया जाता है जो कि बहुत ही सेफ है, कोई भी नॉन मेंबर एंट्री नहीं ले सकता है। और ये है कैंपिंग के अंदर का व्यू, माय गॉड इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ के अच्छा लग रहा था, वेदर भी इतना अच्छा था और बैक साइड में ना बहुत ही बड़ा लेक है, लेक का भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे ना गाइस, क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, बहुत ही हाइजीनिक प्लेस है ये। तो अब मैं आपको कैंप्स भी दिखाती हूँ। तो ये है कैंप्स, यहाँ पे 8 to 10 टोटल कैंप्स है और कैंप का प्राइस है 1800 पर पर्सन। अब मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैंप जो है वो कैसा है। तो अब मैंने इसे ओपन कर दिया है और आप देख सकते हो कि 2 पीलो है, 2 ब्लैंकेट्स है, फ्लोरिंग भी बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। तो ये था पूरा कैंप के अंदर का लुक। तो अब मैं ये कैंप को बंद कर देती हूँ और मैं आपको ले जाती हूँ एक्टिविटीज वाले प्लेसेस में। ये है स्विमिंग पूल, एक बार तो मैं डर ही गई थी कि ये वेल है कि स्विमिंग पूल है, क्योंकि ऐसा स्विमिंग पूल तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है, आपने भी ऑब्वियसली कभी नहीं देखा होगा। ये 40 मीटर डीप है, तो आपको लाइफ जैकेट पहन के ही इसमें जाना होता है।
और मैं आपको और भी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है, कितना इसको मजा आ रहा है यहाँ पे। और सामने में गाइस यहाँ पे वॉशरूम है, बहुत ही बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे। अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं मेंस के, वुमेन्स के, एंड बिल्कुल क्लीन है। अब मैं आपको ले जाती हूँ लेक की तरफ में, जहाँ पे लोग कायाकिंग करते हैं। बहुत ही बड़ा लेक है। का व्यू गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मुझे यहाँ से लग रहा था, तो मैंने ये भी आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर लिया ताकि हर एक चीज मैं आपसे शेयर कर सकूँ यहाँ का। इसके बाद हमने कायाकिंग किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे काफ़ी टाइम से कायाकिंग करने का मन था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो उसके बाद हम गए रेन डांस में। तो ये है रेन डांस का जगह, आप देख रहे हैं बच्चे कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। उनको ये सब जगह में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगता है। इसके बाद हम गए कुछ खाने पीने के लिए। तो ये होटल है यहाँ का, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे बूफे सिस्टम में मिलता है, यहाँ आप ऑर्डर नहीं दे सकते, जो बूफे सिस्टम में होगा वही आपको लेना होगा। इवनिंग में यहाँ पे गाइस टी था, कॉफी था और पकौड़े थे। इतना ठंडा मौसम में अगर आपको ये मिल जाए तो क्या बात है ना। तो अब शाम हो गई थी और रात भी होने लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बैडमिंटन खेल लिया जाए। बैडमिंटन वैसे भी ठंड के मौसम में ही खेला जाता है, बहुत ही ज्यादा हम लोग को यहाँ पे मजा आ रहा था। यहाँ पे गेम्स रूम भी है, जहाँ कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, पूल है, सॉकर है, तो आप यहाँ पे गेम्स को भी बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्टर्स को इंजॉय किया, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। और फिर हमने बॉनफायर को इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था, म्यूजिक चल रहा था, सब डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा सा माहौल था। तो अब हम लोग सब जा रहे हैं कैंप में सोने के लिए और मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपको यहाँ का अर्ली मॉर्निंग का व्यू भी दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हम लोग को मज़ा भी आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम ज़िपलाइन करेंगे, तो मैं आपको मिलती हूँ ज़िपलाइन के बाद में। तब तक आप वीडियो को इन्जॉय कीजिए। और एक चीज़ ना मैं आपको दिखाना भूल गई गाइस, यहाँ पे स्विंग भी है। इससे ना मेरा थोड़ा बचपन से ही अलग रिश्ता रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं कैसे मिस कर सकती थी। और यहीं पे ही मेरा जो ट्रिप है वो एंड होता है, सिर्फ एक ही दिन का ट्रिप था। और यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी है, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। मुझे ना हमेशा से ही एडवेंचरस एक्टिविटी करने का बहुत ही ज़्यादा मन में था, तो आज मैंने अपना मन का थोड़ा सा पूरा कर लिया है। पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत सारे एडवेंचर करना लाइफ में बाकी है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और यहाँ पे एक दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला, फैमिली के साथ में। बहुत ही सुंदर जगह है, तो यहाँ पे आप भी ज़रूर आइएगा।
सो गाइस अब हम चेकआउट कर रहे हैं। वन डे हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्पेंड किया है। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, फैमिली प्लेस है। आप अगर बैंगलोर में रहते हो तो ज़रूर यहाँ प्लेस में विजिट करिएगा। दो तीन चीज़ है जो मुझे आपसे शेयर करना है कि अगर आप यहाँ आओ तो आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो आपको फ्लैट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी म्यूज़िक स्पीकर आप लिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक का कोई भी टाइप का अरेंजमेंट है नहीं। फूड ऑसम है और हो सके तो टॉर्च लाइट या कुछ भी लाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बजट प्लेस है, कैंपिंग है, न्यू एक्सपीरियंस है। ज़रूर यहाँ पे विजिट करिएगा। मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।